अपने राष्ट्र के एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। 27 नवंबर आज के दिन अगले संडे को कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग फाइनल हो चुकी रहेगी। कार्यक्रम बस शुरू होने वाला रहेगा क्योंकि 9:15 हो रहा है, 10:30 से अपना कार्यक्रम है। अब हमारी परीक्षा है, हम सबकी परीक्षा है, हमने कितना ईमानदारी से गुरु कार्य किया है। ये किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है। व्यक्ति का कार्य होता तो सामान्य तरीका से भी किया जा सकता है, लेकिन गुरु का कार्य, भगवान का कार्य, ईश्वरीय कार्य श्रद्धा से किया जाता है। आपके घर में शादी विवाह है, व्यक्ति का कार्य है, मजदूरा भी रख के आप करवा लेते हैं, ना मजदूरा को पैसा दिए, आपको बहुत मन है कि हम जींस टी शर्ट पहन के हम कुछ नहीं छूए, पानी चलाने वाले को रख लिए। आजकल गांव में भी देखिए लोग बैरा रख रहा है। पहले गांव में लोग प्यार और स्नेह से बैठा के भाइयों को भोजन कराता था, पंक्तियां होती थी, प्यार से पूछा जाए थोड़ा और ले लीजिए, आजकल बैरा को ट्रेंड किया गया है थोड़ा ही देना है ना। हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ईश्वरीय कार्य और मनुष्य के कार्य में अंतर क्या होता है। अब उसको मांगिएगा कि थोड़ा और दो ना सब्जी, तो फिर एक चम्मच दे के घूम रहा है, फिर उखाकर फिर देगा, मतलब आपको इतना इरिटेट कर देगा कि आप फिर नहीं मांगिएगा। ये क्या है, ये मनुष्य का कार्य है। पहले ये भगवत कार्य समझ के लोग भोजन कराते थे। लोग पहले जो आपके यहाँ, हमारे यहाँ हर जगह होता था, लोग सोचते थे लोगों के खिलाने पर पुण्य होगा। आजकल सोचता है लोग कि स्टेटस भी दिखा लें कि काफ़ी भीड़ आया था, और सबको उतने में हटा भी दें, ज़्यादा बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़े। तो इसको टारने के लिए नई नई विधि आई है। लेकिन भगवान का काम छोटा व्यक्ति करे या बड़ा व्यक्ति करे, वो तो भक्त हो जाता है, मजदूर रह ही नहीं जाता है। आप जो कहते हैं कि मजदूर को बुलाएं, साफ करवाएं, वो तो अब भक्त हो गया, भगवान का भक्त हो गया, मजदूर रहा कहाँ। मंदिर में कोई मजदूर होता ही नहीं है, अध्यात्म में कोई मजदूर होता ही नहीं है, वहाँ तो परमात्मा और उसके सेवक होते हैं, ईश्वर होते हैं और ईश्वर के भक्त। तो हम लोग गुरुदेव और हम लोग सेवक, भक्त, शिष्य। आप जिस रूप में अपने आप को मानिए, बेटा मानते हैं तो एक बाप के लिए जितना करना पड़ता है करिए। अगर मानते हैं कि गुरु जी को हम बाप की तरह मानते हैं, हम बेटा हैं, तब तो और रगड़ाना होगा। बेटा हर विकट परिस्थितियों में अपने बाप का साथ छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता है। आपको लगता है नहीं मेरा अच्छा मित्र कोई नहीं है, हम गुरुदेव को मित्र मानते हैं, मानिए। गुरुदेव तो कहते थे कि बेटे किसी एक रिश्ते को हमारे साथ निभा दो, कोई एक रिश्ता है अगर ताकत तो किसी एक रिश्ते को मेरे साथ निभा दो। मित्र मानते हैं तो अर्जुन और कृष्ण की मित्रता थी, अंत अंत समय तक अर्जुन का साथ नहीं छोड़े कृष्ण, आपको भी नहीं छोड़ना होगा। चाहे कुछ भी हो, गुरुदेव को मित्र मान लिए तो अपने मित्र को नहीं छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हम बहुत उच्च स्तरीय आत्मा है, बहुत बड़ा आत्मा है, जैसे एक पुत्र को पाला जाता है, हम गुरुदेव में पुत्र रूप देखते हैं। हो सकता है कुछ लोग सोचता होगा कि हम बहुत उच्च स्तरीय आत्मा है, हमारे पुत्र में हमारे जितना प्यार देते हैं वो वाला प्यार दीजिए। भावनात्मक लगाव का नाम ही अध्यात्म है, भावनात्मक लगाव का नाम ही भारत का अध्यात्म है, गायत्री महामंत्र है, इमोशंस है। यह कार्यक्रम अपने आप में इतिहास बनाने वाला होगा, ये कार्यक्रम अपने आप में ताकतवर होगा। लेकिन इसके पहले हमारी भूमिका क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या एक ईमानदार नागरिक की तरह हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, क्या हम एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपने इस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, क्या जितनी हमारी क्षमताएं हैं उसके अनुरूप हम अपनी ताकत को झोंक कर इस गुरु कार्य को कर रहे हैं। अगर हाँ तो दुनिया की कोई ताकत आपके कार्य को नहीं रोक सकती है। जो आपने व्यक्तिगत सोचा होगा मैं ये करूंगा वो करूंगा,
निष्ठा पूर्वक गुरु कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही खुशहाली होती है, हमेशा वो संपन्न होता है। निष्ठा पूर्वक भगवान का कार्य करने वाला युवा, बूढ़ा, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियां आती है तो वो हंसते हुए मुस्कुरा के निकल जाता है। आपकी ईमानदारी ही आपकी परीक्षा है, आपकी ईमानदारी ही आपका प्रतिफल है। आप कितनी ईमानदारी से इस कार्य को कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। कई भाइयों के मन में होगा, विचार में होगा, इससे करने से गुरुदेव तो है नहीं, मुझे मिलेगा क्या, गुरुजी तो है नहीं, शरीर छोड़ चुके हैं। भैया लोग कहते हैं थोड़ा देर मान लेते हैं, इससे मिलेगा क्या। आग की माचिस जब आप जलाते हैं, तिल्ली जलाते हैं और उससे मोमबत्ती को आग लगा दिए, माचिस खत्म हो जाता है लेकिन मोमबत्ती गलता चला जाता है, आपने देखा है। मैक्सिमम लोग विज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं ना, मोमबत्ती धीरे 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 गलता हुआ चला जाता है, गलते 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 नीचे चला जाता है। आप कहिएगा माचिस तो है नहीं, मोमबत्ती गल कैसे गया, माचिस तो वहीं समाप्त तो हो गया, मोमबत्ती फिर गला कैसे। ये कार्य था जिस कार्य का परिणाम और परिणाम के फल स्वरूप उस मोमबत्ती का गलना तय था। ये भी एक कार्य है जिस कार्य का परिणाम होगा कि सेवा भावना आपके अंदर आएगी और आप पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कार्य को बेहतर करते चले जाएंगे। एक छोटे बच्चे को मां को पालते हुए जब देखते हैं आप, तो आपके मन में कल्पना आती है कितना प्यार मिलता है इस बच्चे को, और फिर देखिए अगर उसके अंदर संस्कार का बीज पड़ता है तो जब बड़ा होता है वो बच्चा, तो कभी झांक कर देखिएगा बुढ़ापे में वो अपनी माँ बाप की सेवा कितना ईमानदारी से करता है। आप कभी माँ और बेटे का प्यार देखे हैं बुढ़ापे वाला, बूढ़ी माँ हो यंग बेटा हो और स्नेह प्यार देता हो, कभी आप लोगों ने देखा है, देखे भी नहीं है। अरे हर घर में माँ है यार, देखने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। ये प्रदर्शनी है जो संग्रहालय में रखा है और हम जाकर देख लेंगे। हर घर में माँ है और आप तो बेटे हो, आपको देखना क्या है, एक बार प्यार करके देखो, मजा आ जाएगा। कभी जाना लौट के यहां से छुट्टियां में, और सुबह सुबह माँ उठती है, पैर छू के प्रणाम करना, माँ के साथ ईमानदारी से कुछ समय बिताना, माँ स्नान करके पूजा कर रही हो, चुपचाप अपने किचन में जाकर खाना निकाल के और ला के थाली बैठ जाना और अपने भी खाना, और जैसे बचपन में तुम्हें माँ खिलाई थी अपने हाथों से खिलाना, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान की ताकत उस दिन तुमको मिलेगी, लगेगा मजा आ गया यार। तो धरती रूपी भगवान जिनका शरीर एक दिन छूट जाना है, उनके प्यार में इतनी ताकत है, तो जो जन्म जन्मांतरों का प्यार करते हैं, जो कई वर्षों तक तुम्हारे होके रह जाएंगे, एक बार प्यार करके देखो यार, मजा आ जाएगा। हम तो इस जलते हुए दीपक के सामने कहते हैं कि शराब के नशा से ज्यादा ताकतवर नशा है अच्छाई का। अगर एक बार लग जाए तो इंसान हर दिन चाहता है कि हम अच्छा बने, दुनिया की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में। दुनिया की नजर किसको अच्छा कहती है किसको बुरा यह हम नहीं जानते। शराबी जितने होते हैं, शराब पीने वाले को अच्छा कहते हैं और जो नहीं पीता है उसको कहते हैं डिरेल है, यह दुनिया की नजर है। जो लोग रेस में जाते हैं, या आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो किसी रेस में गए और रेस जीतने के बाद देश की सेना को ज्वाइन किए, देश की सेना से प्यार हो गया, आप कहिएगा कि देश की सेना से बेहतर पद कोई नहीं है। लेकिन जो लोग किसान है और ईमानदारी से खेती करके लोगों का पेट भर रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या आपको मजा आता है, तो वो कहेंगे कि किसान से बेहतर कोई नहीं है। अगर ईमानदार है तब सब अपने अनुसार एग्जाम्पल बनाता है, उसका नाम दुनिया है। लेकिन भगवान के नियमों का पालन करते हुए, अगर अहिंसा करते हुए, हिंसा करते हुए नहीं, अहिंसा करते हुए, किसी का कष्ट नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं हो, इन सारी चीजों को करते हुए अगर जो आगे बढ़ता है वो एक नेक इंसान है, और उसको समाज के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने समाज के लिए किया। दुनिया ने क्या कहा,
कोई नहीं समझा। हम लोग उनके शिष्य होकर इतना जरूर करें कि हम अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाएं कि हमारा लोग उदाहरण दे, फलाने का बेटा को देखो संस्कार तो गजब का है यार, घर पर जाता है माँ बाप उसके गदगद हो जाते हैं, प्यार से बातें करते हैं, 2 महीना बड़ा भाई है कभी जुबान नहीं लड़ाता है उससे। संस्कार की परिभाषा यह होती है। आप में से कई भाई लोग ऐसे हैं, कई भाई लोग हैं जो 2 भाई एक साथ रहते हैं, 3 भाई एक साथ रहते हैं, उच्च चेहरा ही सही, लेकिन आपसे एक दिन बड़ा है उससे कई बार लड़ गए, तुम ही करोगे हम नहीं करेंगे, तू क्या तू अपना पढ़ हम देखेंगे, ये अहंकार है। संस्कार क्या होता है, जब अच्छाई पच जाती है तो संस्कार बन जाता है, और जब उसका अपच होता है तो अहंकार बन जाता है। आप अच्छाई को पचाइए, अच्छाई के पचाने का कार्यक्रम अपना यूथ एक्सपो है। मेरे मित्र एक ऐसा युवा वैज्ञानिक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, जो पूरे 84 कंट्रियों में युवाओं के अंदर प्राण फूकने का काम किया और मिशन की गतिविधियों को गुरुदेव के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, आप उनका यूट्यूब पर कभी भी कार्यक्रम के बाद, ऐसा नहीं कि अभी जा रहे हैं प्रचार में या यूट्यूब चला रहे हैं, कार्यक्रम के बाद कभी भी लेक्चर क्लास सुन लीजिएगा, इतना जबरदस्त होता है। हम तो कई बार दोपहर में अपने ऑफिस में सुनते रहते हैं, लगता है कि क्या बात है भाई, दुनिया का एक ऐसा ज्ञान जो आज नेट पर परोसा जा रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हर एग्जाम्पल को पेश करते हुए, आप बेटा हो तो आपको बेटा कैसा बनना है, आप अगर नागरिक हो तो कैसा नागरिक बनना है, भाई हो तो भाईचारा कैसे निभाओगे, हर टॉपिक पर इतना शानदार लेक्चर क्लास सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन युवा वैज्ञानिक को इस बार मौका मिला है पाटलिपुत्रा की धरती पर, पूरे युवाओं का जन सैलाब अगर जुटता है तो सुनने का इस बार मौका है। 2 साल बाद पुनः हम अपने जो पतन के तरफ विचारों को ले गए हैं उस विचार को पुनः उत्थान के तरफ ले जाने का इस बार मौका है। हम अपने अंतःकरण की बुराइयों को त्याग करें और अच्छाई को अपनाकर पुनः बिहार के एक गौरवशाली राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। ये मौका अगर हम युवा हैं तो हमारे खून में गर्मी पैदा करता है, ये मौका अगर हम राज्य के नागरिक हैं तो हमारे राज्य में आग लगाने की क्षमता पैदा करता है। बुराइयों की अटखेलियां खेलते हुए नौजवानों को ध्वस्त करने वाले अच्छे नौजवान अगर एक बार संकल्प लेते हैं तो राज्य की फिजा बदल देते हैं, और इन बुरे विचार में लिपटे हुए युवा जब अच्छे लोगों को देखते हैं एक साथ होते हुए तो उनके विचार भी बदलते हैं, और बुरे लोग कहते हैं मुझे बुराई से कोई मतलब नहीं है, हम अच्छाई के तरफ जाएंगे ही जाएंगे। इस संकल्प का नाम यूथ एक्सपो है, युवा उत्कर्ष, हिंदी होता है युवा उत्कर्ष। हम अपने उत्कर्ष की सीमा पर जाएंगे, इसमें चाहिए मरजीवड़े जवान जिसकी खून में गर्मी हो, जिसकी विचारों में ताकत हो, जो हारने की मद्दा नहीं रखता हो, जो हिम्मत से आगे बढ़ता हो, जो परवाह नहीं करता हो क्या होगा, 1 सप्ताह गुरु कार्य के लिए समय श्रम सब कुछ झोंक देंगे। हे मालिक मुझे जिंदगी में बहुत ऐसा समय आएगा जब मैं स्वार्थ के लिए जिंदा रहूंगा, यह टाइम ऑफ पीरियड अगर आपने दिया है तो मैं परमार्थ के लिए इतनी ईमानदारी से कार्य करूंगा कि ये रेनबो मैदान का चप्पा चप्पा तो भर ही जाएगा। विगत कई वर्षों तक इस पाटलिपुत्रा की धरती पर आने वाले नौजवान अपने आप पूछे गायत्री परिवार के लोगों से, अब आपका यूथ एक्सपो कब होगा। मेरे जीवन के बदलने का सबसे बड़ा अगर दिन था तो वो यूथ एक्सपो था। ये लड़कों के अंदर कैलिबर पैदा कर देंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये ताकत चाहिए। और बहुत सारे भाई हमारे लगे हुए हैं, ये युवा प्रकोष्ठ उनको दिल से धन्यवाद देता है। गुरुदेव की जीवनी शक्ति उनके जीवन में बरसेगी, उनकी ताकत बरसेगी, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद उनके जीवन में आएगा। बहुत सारे भाइयों को देखकर कष्ट हो जाता है, सिंपल रूप में साधारण रूप में 2-2 रोटी खाकर लड़के वो प्रचार में लगे हुए हैं, दिन रात एक करके तबीयत खराब है, माइक लेके बोल रहा है, गला बैठ गया है, सीना बैठ गया है, क्या बात है। दुनिया कहती है लोग अच्छा बनते ही नहीं है, एक बार आकर तो देखो हमारे युवा प्रकोष्ठ में अच्छाई क्या होती है, एक बार आकर तो देखो इस गुरु कार्य के लिए हमारे भाई लोग समर्पित कैसे हैं,
हम उन सारे भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम उन सारे भाइयों को गुरुदेव के तरफ से ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम उन सारे भाइयों को ये भी एक विश्वास दिलाते हैं कि अपने इस कैलिबर को कार्यक्रम के बाद अपनी पढ़ाई में लगा देना, तुम्हारा एक साल से दो साल के अंदर नौकरी का 100% होगा, चाहे जहां तुम चाहते हो, क्योंकि ये श्रम और शक्ति की परीक्षा है, ये आपके अंदर के आत्मविश्वास की परीक्षा है, ये आपके अंदर की ताकत की परीक्षा है, ये आपके अंदर के सहनशीलता की परीक्षा है। और जितना ये सारे गुण अगर युवा के अंदर आता है, वहीं रोजगार बनता है। बहुत सारे लड़के सुबह से लेकर रात तक बिना खाए भी कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको समय नहीं मिल रहा है, वो खाना नहीं खा रहे हैं। बहुत सारे भाई अकेले हो गए हैं, रूममेट नहीं है, एग्जाम देने चला गया है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, वो झूठ बोल के बिस्किट खा के प्रचार कर रहा है। ये करुणा है, ये दर्द है, उन भाइयों को मिलेगा। समाज में आने वाला कभी खाली नहीं रहता है, समाज के जो पार्ट बन जाता है, अभिन्न अंग बन जाता है, वो कभी घाटे में नहीं रहता है। मेरे मित्र जो शामिल नहीं हुए हैं, उनको सौभाग्य का मौका मिला है। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मौका को अन्यास मत गंवाने दीजिए। ये मौका मिला है, जब बारिश होती है तो किसानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक मौका होता है कि अपनी मेड़ को बढ़िया से बांध दे ताकि हम खेती कर सके। ये गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में जुड़े हुए युवाओं के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। इस मौका को जो गंवा देगा उसके पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। मेरे मित्र, हम लोगों के साथ भी लोग जुड़े, 2001 में हम जुड़े, 2001 में हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़े। हम हर दिन मेहनत किए, गुरु का कार्य किए, अपना भी कार्य करते रहे। मैंने मौका को गंवाने नहीं दिया। इसमें हमारे चचेरे भाई लोग भी शामिल थे, उपहास उड़ाया जाता था हमारे गांव में, लोग स्वामी जी हमारा नाम रख दिए थे कि स्वामी हो गया, ही शादी ब्याह नहीं होगा, स्वामी हो गया। उपहास उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्टी हमारे पिताजी रहे। कई बार हम गुस्सा में कहते थे नौकरी नहीं होगा तो मत बोलिएगा, वो कहते थे नौकरी के लिए अगर भेजना होता तो गायत्री परिवार में भेजते ही नहीं। और तुम क्या सोचते हो कि गायत्री परिवार में जाने वालों को नौकरी नहीं होती है? देखिए, दोनों अपने कहते थे, मतलब तुमको बेरोजगार रहने के लिए गायत्री परिवार में भेजे हैं, कहने का तो मीनिंग यही निकला। फिर कहते थे तुम अभी समझते ही नहीं हो गायत्री क्या है, गायत्री परिवार में जुड़ने वाले नौकरी लेते नहीं है, नौकरी छोड़ के चले आते हैं, इतनी ताकत है गायत्री में, लेते कहां है, तू भ्रम में जीता है बेवकूफ। हमरा कहते थे तू भ्रम में जीता है, जिस दिन तुमको गायत्री की नशा लग जाएगी तू आईएएस बनने के बाद उस पद को छोड़ के आ जाएगा। हम कहते थे हाँ आप तो बहुत कुछ समझाते हैं, तब उदाहरण देते थे, देखो अपने मिशन में सरदेव डॉक्टर साहब का छोड़े कि नहीं छोड़े, कोई डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर की नौकरी छोड़ के चले आए। उपाध्याय बाबूजी का उदाहरण देते थे, कालीचरण बाबूजी का उदाहरण देते थे कि इंजीनियर थे उस समय के, आज के इंजीनियर इतना ईंटता है, भिलाई में इंजीनियर थे, छोड़ के आए कि नहीं आए? तो कहते हैं बेटे अच्छाई की नशा जब चढ़ जाती है, एक बार चढ़ जाती है तो व्यक्ति पैसे के पीछे नहीं, लोगों के करुणा के पीछे भागता है, भाव के पीछे भागता है। और जब पैसे का नशा चढ़ता है तो तुम कहते हो गायत्री परिवार छूट जाएगा, एक बार जब पैसे का व्यक्ति का नशा चढ़ता है तो वो माँ बाप को छोड़ देता है, परिवार तो दूर की चीज है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि आज के देश समय में विदेशों में कमाने वाले ऐसे असंख्य लड़के हैं अपने ही राष्ट्र के, जिनकी माँ तरस गई है मेरा बेटा आता, लेकिन वो विदेशी कल्चर में ढल के अपने माँ बाप को त्याग देगा, बेटा मुझे नौकरी नहीं गुरुदेव का कार्य चाहिए और तुम मिशन में जाओ, और उन्होंने धक्का मार के भेजा। घाटे में कोई नहीं रहा, जो गुरुजी से जुड़ा वो आज घाटे में नहीं रहा। मेरे मित्र, अब ये कार्य नजदीक है, आप सब लोगों से एक बार पूछना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से आप लोग मेहनत कर रहे हैं?
ना ये आवाज युवा का हो ही नहीं सकता है। सब लोग ईमानदारी से कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं हाथ उठाइए। तो अभी बहुत सारा बीच में जगह खाली है, बहुत सारे भाई जो है अभी नहीं लगे हैं। मेरे मित्र, हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, यह 7 दिन का समय आप गुरुदेव के लिए दे दीजिए, हम लोगों को दे दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि यह 7 दिन का समय बिल्कुल दे दीजिए। आप कहीं से घाटे में नहीं रहेंगे, कहीं से भी घाटे में नहीं रहेंगे। यह वक्त है, जो पहचान लिया वो सिकंदर बन गया, जो नहीं पहचाना वो अस्तित्व मिटा दिया। कई बार गुरु जी के पास लोग जाते थे, गुरुदेव मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, गुरुदेव कहते थे सब हो जाएगा, पहले तूने किया क्या। एक माँ को कभी रोना नहीं पड़ता है मेरा बेटा अहंकारी हो गया, अगर वो बचपन से लेके और जब तक उसका जीवन आगे बढ़ता है, जवानी की दलहीज पर कदम रखता है, हर दिन उसको संस्कार का एक पाठ पढ़ाती है, कभी माँ को कष्ट नहीं होता है। उस युवाओं को कभी कष्ट नहीं होगा जो पूरी ईमानदारी से गुरु का कार्य कर रहे हैं। उन युवाओं को कभी भी तकलीफ नहीं होगा जो अपने समय का सदुपयोग करते हुए गुरु कार्य में लगा रहे हैं। मेरे मित्र, महाभारत की जब शुरुआत हुई थी, बहुत सारे पात्र थे, बहुत सारे लोग थे। आपने महाभारत देखा होगा, एक ऐसा समय आता है जिस समय पांडवों के अंदर हलचल पैदा हो जाता है, और वह समय होता है चक्रव्यूह की रचना। जब चक्रव्यूह की रचना होती है तो सब लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह बेदना कोई नहीं जानता था। और अर्जुन को भगवान कृष्ण कहीं दूर लेकर चले जाते हैं, कहीं लंबे जगह लेकर चले जाते हैं, अचानक खबर आती है चक्रव्यूह की आज रचना होगी, सब लोग चिंतित है, सारे लोग चिंतित है। एक ऐसा युवा जिसके अंदर करुणा है, दर्द है, लगाव है, प्यार है, स्नेह है, ममता है, व्यवहार है, वो आता है भागते हुए छोटे छोटे पांव से, 14 साल का। इसमें 14 साल के कितने लोग हैं? इधर एक आध गो बालक बैठा होगा। 14 साल का बच्चा, सोचिए कितना कम उम्र होता होगा। हम लोग सब लोग 22 साल 25 साल के हैं, हम लोग 31 साल के हो गए, इसमें बहुत सारे लोग 3500 साल वाले होंगे। धीरे धीरे एज बढ़ रहा है, 14 साल का बालक दौड़ के आता है। ताऊ, क्यों चिंता में बैठे हैं, क्या कारण है? सब लोग कहते हैं चलो तुम बालक हो, तुम नहीं समझोगे। अरे क्षत्रिय का खून तो है, बालक है या बूढ़ा है, ये खून तो क्षत्रिय का है, बोलिए क्या चिंता है। अरे तुम बालक हो, जाओ अभी। नहीं, बताइए ताऊ, आप लोग चिंतित क्यों नहीं है, क्यों है? तुम्हारे पिताजी नहीं है, चक्रव्यूह की रचना हो गई है, और तुम्हारे पिता के अलावा कोई नहीं जानता है कैसे होगा। अरे चिंता मत करिए, ये कौन बड़ा बात है, पिताश्री नहीं है तो क्या। अरे इतना छोटा बालक इतना धैर्य से बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, क्या कारण है? आप चिंतित क्यों होते हैं? चिंता मत करिए, संस्कार की परिभाषा है। जब मैं मां के गर्भ में था, पिताश्री मां को चक्रव्यूह बेदने के बारे में बता रहे थे और मैं सुन रहा था, 6 द्वार तक सुना, 7वां गेट जब आता था वहां मुझे नींद आ गई, मां को नींद आ गई, मैं भी सो गया। चिंता नहीं करना है, 6 दरवाजे तक हम अकेले बेच सकते हैं, 7वां मुझे नहीं पता है। क्या ऐसा कर सकते हो? हां कर सकते हैं, पटना के चप्पा चप्पा में हम जा सकते हैं। 7वां दरवाजा जो बड़े अधिकारियों का लेवल का है, हमारी क्षमताएं वहां तक नहीं है, उसके लिए हमारे सीनियर लोग हैं, लेकिन हमारे क्षमताएं इतनी जरूर है कि पटना के जितना लॉज है, हॉस्टल है, क्लासरूम है, वहां को हम बेच सकते हैं, इतनी क्षमता है, और हम अपने मिशन की इज्जत को बचा सकते हैं। ये कौन कहता है? आज का बैठा हुआ अभिमन्यु कह रहा है। आप चिंता ना करें गुरुदेव, आपके ये कार्य जो 27 नवंबर को है, पूरी ईमानदारी से हम जैसे अभिमन्यु कर दिखाएंगे, और एक बार पुनः चक्रव्यूह की रचना के बाद जय होगी कि पराजय मुझे नहीं पता, लेकिन नाम इन अभिमन्यु का ही होगा, पांडवों का ही होगा, कौरव का नहीं होगा। और वो 14 साल का नौजवान अभिमन्यु जाता है युद्ध में, चाचा भीम कहते हैं 7वां दरवाजा हम अपनी गदा से तोड़ देंगे,
भले ही वो नहीं जा पाते हैं अंदर, और वो 14 साल का अभिमन्यु वीरगथा को प्राप्त होता है। दुनिया कहती है अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, आप भी कहते हैं कि मारा गया। अभिमन्यु मरा होता तो आज उसका नाम नहीं लिया जाता, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने के बाद अमर हो गया, मरा ही नहीं अमर हो गया, और आज उसका इतिहास दुनिया पढ़ती है। ये भगवान का काम करने वाले का इतिहास दुनिया पढ़ती है, वो मरता नहीं है। आपकी जोश, आपकी जुनून, आपकी जज्बा, आपके दिए हुए संस्कार और गुरु का कार्य हमारी परीक्षा अगले रविवार को देगी। आप सारे लोग एक एक बार अगर चले भी गए हैं वहां तो कोई बात नहीं है, दोबारा जाइए, तिबारा जाइए, लेकिन सबसे कहिए भाई ये एक ऐसा मौका आया है जहां हम अपने आप को नहीं, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को परिवर्तित करने की एक बीड़ा उठाए हैं और अवश्य करके रहे हैं। इसके लिए हमारे अंदर जो ताकत की जरूरत है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। जब आप ध्यान करते हो तो आपके अंदर थॉट पॉजिटिव होता है, आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, आपकी शक्तियां पॉजिटिव होती है, आपके अंदर की जो भी ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब ये पॉजिटिव होता है आपके अंदर भूख लगती है हम गुरु कार्य करें। छोटे उम्र में विवेकानंद के अंदर ऐसा भूख जग गया अच्छाई का कि वो पागल होकर घूमने लगे। छोटी उम्र में गुरुदेव के अंदर भूख जगा तो आपने कहानी पढ़ा होगा या कभी पढ़ लीजिएगा, गांव की महिला छपको देवी जिसको समाज तिरस्कार करता था, कोई नहीं छूने का काम करता था, तबीयत खराब होने पर गुरुदेव जाते हैं छपको देवी के यहां और जाकर कहते हैं आप इतने दिनों से हमारे यहां आ क्यों नहीं रही थी। देखते हैं एक छोटी सी झोंपड़ी में छपको देवी पड़ी हुई है, तबीयत खराब है, शरीर में घाव निकल गया है, फोड़ा फुंसी निकल गया है, कोई इलाज करने वाला नहीं है। गुरुदेव भागे भागे छोटे पांव से जाते हैं, जड़ी बूटियां लेकर आते हैं, छपको देवी का इलाज करते हैं। छपको देवी कहती है चले जाओ चले जाओ। अरे बच्चा तुम क्या कर रहे हो, ब्राह्मण कुल में तुम जन्म लिए हो, तुम्हारे माता जी को गुरुदेव ताई जी कहते थे, तुम्हारे ताई जी को पता चलेगा तो वो क्या कहेगी। कहते अरे दादी तू चिंता क्यों करती हो, कुछ नहीं करेगी, पता चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही गुरुदेव अपने घर पर पहुंचते हैं गुरु जी के माता जी कहती है कहां गया था, उन्होंने कहा छपको दादी का इलाज करने गए थे। तुम क्यों गया, उस समय छूत अछूत ये सब बहुत समाज का एक बड़ा घिनौना चीज था, छूत अछूत बहुत माना जाता था, बहुत डांट पड़ती है गुरुदेव को, और ठंड के दिनों में जो गांव में कुआं होता है उस कुआं पर ले जाकर स्नान कराया जाता है, ठंड के दिनों में रात में गुरुदेव स्नान करके और मुस्कुरा के कहते हैं ताई जी बुरा मत मानना, कल फिर स्नान करवाना होगा। पूछती है क्यों, तुम स्नान करवाती रहो, हम छपको देवी का सेवा करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि छपको देवी ठीक नहीं हो जाए। ये करुणा गुरुदेव के अंदर थी, ये अंदर थी भावना। आप पढ़िएगा गुरु जी की किताबों में, आज भी उस गांव के लोग कहते हैं गुरुदेव आगरा जिला के अवलखेड़ा में जहां जन्म लिए। मेरे मित्र समाज में हमारे गुरुदेव अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम समाज की परिवर्तन के लिए अपने युवा भाइयों को सोचो, वो हमारा किसी न किसी लेवल से भाई है, भले हमारे माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया लेकिन मेरे राज्य और राष्ट्र में पैदा हुआ है। अगर किसी का संतान भटक रहा है आप मानकर चलो कि भारत माँ का संतान भटक रहा है, किसी का संतान अगर डाइवर्ट हो रहा है तो अपनी भारत माँ का संतान डाइवर्ट हो रहा है। और अगर हम कहते हैं कि गर्भ से कहो हम भारतीय हैं तो ये ठान लो कि भारत माँ के संतानों को हम बचा कर रहेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है, वही भगवान देने का प्रयास करता है। अगर आप चाहते हो कि हम अच्छा बने और समाज को अच्छे राह पर ले जाए तो भगवान की भी ये प्रेरणा बन चुकी है कि अब समाज को पुनः एक बार अच्छे राह पर ले जाया जाए। जो सही चश्मा लगाए हैं उनको परिवर्तन दिख रहा है और जिनके चश्मा के आगे काला लगा हुआ है उनको नहीं दिख रहा है। कई बार मनुष्य रंगीन चश्मा लगा लेता है
और समाज के तरफ जब देखता है तो उसको समाज रंगीन नजर आती है। वो जैसा है वैसा ही सोचता है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। गुरुदेव कहते थे आप अच्छाई सोचते हो, हमारे प्रयास से समाज अच्छा होगा, अच्छे विचार होंगे तो आप देखिएगा आपके लॉज का हर जगह का माहौल अच्छा हो जाता है। और बहुत लोग सोचते हैं इससे क्या होगा, निगेटिव सोच आ जाती है कई बार हमारे भाइयों के मन में है, ये सब हल्ला गुल्ला करने से क्या होगा, भीड़ जुटाने से क्या होगा, इससे समाज बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, आपकी मानसिकता बिगड़ जाती है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी निगेटिव मानसिकता आपको तबाह कर देती है। तो आपसे एक और अनुरोध है कि जो हमारे भाई जोश से लगे हुए हैं उनको जोश दिलाने का प्रयास करें। अगर आपके पास जोश नहीं है तो दूसरे को दिलाइए, उनको निगेटिव कुछ मस्तिष्क में नहीं डालिए, एकरा से क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये गुरुद्रोह का मामला हो जाता है। देश की आजादी में विवेकानंद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जब लगे तो कोई ही नहीं कहा कि इससे क्या हो जाएगा, फांसी लग जाएगा तो देश आजाद होगा कि नहीं। उन लोगों ने हिम्मत बढ़ाया और एक एक जो भी थे आगे बढ़ते चले गए। हमारा भी चैनल ऐसा होना चाहिए। मुसल्लापुर संस्कारशाला के भाई बहादुरपुर से पूछे, भाइयों आपने कितना प्रयास किया, कहा मैंने 100 भाइयों के बीच गया, वो शाबाशी दे, वाह आपने बड़ा बढ़िया काम किया। रामपुर वाले मुसल्लापुर से पूछे आपने कितना किया, हमने तो 1500 किया, वो उनको शाबाशी दे। हम अपने एनर्जी को एक साथ मिलाकर अगर लग गए तो ये कार्यक्रम हमारा टेलर है। गुरुदेव की इच्छा होगी तो हम लोग एक बड़ा फिल्म दिखाएंगे और वही फिल्म बिहार के इतिहास के परिवर्तन की फिल्म होगी। ये दूर दिन नहीं है, धीरे 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 1995 से 2016 आ गया और गुरुदेव ने अपने चीजों को नजदीक लाकर दिखा दिया। मेरे मित्र बहुत समय नहीं लेते हुए कार्यक्रम क्या कहते हैं, कौन क्या सोचता है, ये तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं। लोग सोचता है, लोगों का काम है सोचना, कुछ अच्छे भी सोचेंगे कुछ अपनी बुद्धि भी उसमें लगाएंगे। बिहार है, बुद्धिमानों की कमी नहीं है, यहाँ बहुत बुद्धि है, यही तो दिक्कत है। अगर आज हमारा बिहार इतना शक्तिशाली लोग होते हुए भी सबसे निचले पौधान पर इस मामले में है, इसका कारण है कि अत्यधिक बुद्धि और जो बुद्धि है उसका उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा, दुरुपयोग ज़्यादा। तो बुद्धि के सदुपयोग करने के लिए ही आपको गायत्री मंत्र सिखाया जाता है कि बुद्धि का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। दुरुपयोग करिएगा कहीं दूसरे तीसरे जगह पर लगाइएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, तो जहां इन्वेस्ट कीजिएगा मिलेगा वही। आप जिस जगह पर अपना पूंजी लगाइएगा रिजल्टेंट आपको वही मिलेगा। अगर हम लोग नकारात्मक चीज़ों से जुड़ेंगे, सकारात्मक चीज़ों से नहीं जुड़ेंगे तो लाभ से वंचित रह जाएंगे। नकारात्मकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी बताया जा रहा था आपको कि साहब कहने वाले उस जमाने में भी निश्चित रूप से कहे होंगे, बक्से तो नहीं होंगे, हमें तो नहीं लगता है कि इतने आसानी से बकस दिए होंगे साहब, किसी एक आदमी दो आदमी को फांसी पर लटक जाने, ये तो उस जमाने के अनुसार बेवकूफ़ी का सौदा था साहब। ये लोग क्या बुद्धि है, लटक गए तो क्या हो गया, कहा ही होगा, निश्चित कहा होगा। लेकिन हर चीज़ का एक अपना प्रभाव है। अब ये बात अलग है कि हम उस प्रभाव को किस तरीके से देखते हैं, हमें देखने आता है कि नहीं देखने आता है, ये अलग मामला है। अभी देखिए क्या हुआ, नोटबंदी हुआ, कई लोग कह रहे हैं कि साहब बढ़िया हुआ। अभी दैनिक जागरण ने आज पहले पेज पर छापा कि 85% लोग आज फर्स्ट पेज पर छपा है इस नोटबंदी से खुश हैं। कुछ लोग कह रहे हैं साहब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो बिल्कुल ये कर दिया वो कर दिया, तो वो तो चलते रहेगा, वो चलते रहेगा। कहने वाले अपनी अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, लेकिन हमें अपना काम करते चलना है। हमें युवाओं को अच्छा बनाने का संकल्प लिया है हम लोग लें, और इसका प्रभाव मिला है हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों को। लड़के अच्छे बने, औसत लड़के अच्छे बने, कम से कम अगर हमारे यहाँ आने से गायत्री परिवार में जुड़ने से इतना लाभ तो लड़कों को मिलता ही मिलता है कि साहब अगर हम किसी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना भाव जरूर आ जाता है कि हम कम से कम किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं। ये कम बड़ा उपलब्धि नहीं है हमारे मंच का। हम किसी को भैया हम टाइम नहीं मिलता इसलिए हम नहीं आ पाते, लेकिन हमारी भाव संवेदना आपके साथ है, हम किसी का हानि नहीं पहुँचाते हैं, ये भी आज के समय का सबसे बड़ा काम है। यहाँ तो है काम हम लाभ पहुँचाएंगे कि नहीं, हानि जरूर पहुंचा देंगे, ये भी परिवर्तन है।
हमें चिंता नहीं करना, ये तो भगवान का काम है, लोगों को बदलना वो तो ठीक करता है, उसके पास बहुत सारा हथियार है, लेकिन हमें लगे रहना है। तो साहब देखो, ये अंतिम क्षण में हम बैठे हैं, आज हमारा अंतिम रविवार है कार्यक्रम के पहले का, तो अंतिम रविवार है, अगले रविवार को तो यहाँ मैदान में हम लोगों की भूमिका होगी। चारों तरफ से, पूरे राज्य से ये सूचना मिल रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हर जिले से लोग आ रहे हैं, सब जगह से लोग आ रहे हैं, पूरे बिहार राज्य के हर जिले से लोग, कहीं से बस ठीक है। इसको या तो बंद कर दीजिए भैया, या थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा आवाज़, हाँ, ये पूरे राज्य से लोग आ रहे हैं। एक उत्साह बना हुआ है परिवर्तन का, लोगों को बदलने का, लोगों को सही रास्ते पे आने का। लोग अब भयभीत हैं, कौन भयभीत है परिवर्तन से, कौन भयभीत होता है? चोर डाकू चक्का भयभीत होता है कि मेरा क्या होगा। अच्छे लोग तो खुश होते हैं साहब, जो बढ़िया है, एक समान समाज में सबका वैल्यू रहेगा, सबका मान होगा, सबको सम्मान मिलेगा। अभी सम्मान किसको मिलता है? अभी भी बदला नहीं है मामला, ऐसा मत सोचे। अभी सम्मान किसको मिलता है? किनके पास कितना मकान है? आपका कहाँ कहाँ मकान है? अच्छा, आपका दिल्ली में भी है? हाँ, दिल्ली में भी है। और चो कहाँ? देहरादून। हाँ, देहरादून। और बॉम्बे? और बॉम्बे। अरे भैया, इनका चार चार मकान है इस नाम पर समाज में उसको। अच्छे, उसके मकान से हमको क्या फायदा भाई? मकान उसका है, वो रहेगा, उसका नाती रहेगा, हमारा फायदा नहीं। साहब, आपने समाज के लिए कुछ किया? नहीं, वो तो नहीं किया। समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों का सम्मान बढ़ना चाहिए। कहीं कोई अच्छा काम कर रहा हो उसका सम्मान बढ़े। नहीं साहब, इनके पास तो ये बड़ा मॉल है, और बड़ा बड़ा एग्जीबिशन रोड में और फ्रेजर रोड में बड़ा बड़ा मॉल बनाए हुए हैं। बनाए होंगे, हमको लाभ क्या? कोई बनाए, कोई रहे, हमें ले क्या लेना देना भाई? ये मामला है, हमें ये देखना है। ये सम्मान का भाषा बदलेगा। आने वाले दिनों में लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन सी गाड़ी से चल रहे हो इसलिए आपका सम्मान बढ़ेगा। लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने समाज के लिए किया क्या। आप अच्छे बन गए, बहुत अच्छा, दूसरों के लिए भी कुछ किया क्या? नहीं, दूसरों के लिए तो नहीं किया। हम अपने पत्नी के लिए, अपने 2 बच्चा को पाले, बड़े हुए, बूढ़े हुए, लीजिए सब। ये परिवर्तन होने जा रहा है कार्यक्रम, युवाओं का मन बदलना, उनके सोच को बदलना, उनके चिंतन को बदलना। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपने तरीके से लेते हैं। भगवान की शक्ति काम करती है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से फिर मिलने का मौका मिला, 3-4-5 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बुलावा आया तो गए। करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई, विभिन्न तरीके से इस कार्यक्रम के संबंध में भी बातचीत हुई। वो बड़े प्रसन्न हैं, अच्छी बात है। अगर भाई बिहार का कोई मुखिया हमारे कार्य से प्रसन्न है तो खुशी की बात है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए साहब, हमने भी अपनी बातें बताई कि हम ये काम कर रहे हैं। राजतंत्र का अपना काम है, धर्मतंत्र का अपना काम है। धर्मतंत्र अपने तरीके से काम करता है। आप कानून बनाते हो, हम लोगों का मन बदलते हैं, लोगों का स्वभाव बदलते हैं, लोगों को अच्छे राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों मिलके अगर काम करे, राजतंत्र और धर्मतंत्र, तो निश्चित रूप से एक समाज में एक रूपता आएगा, एक अच्छाई आएगा। तो मुख्यमंत्री जी बड़े प्रसन्न हैं युवा प्रकोष्ठ के गतिविधि से, गायत्री परिवार के गतिविधि से। और देखिए, कल से लगातार मुख्यमंत्री आवास से फोन आ रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ, अब आप इस बात को ज़्यादा हवा नहीं खड़ा करेंगे इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, चूँकि आपस की बात है मैं बता दे रहा हूँ। 26 तारीख को संध्या में 5:30 बजे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं शक्तिपीठ पर। 26 अपना कार्यक्रम 27 को है ना, 26 को भी वो आ रहे हैं। 26 को 5:30 बजे हमारे शक्तिपीठ पर मुख्यमंत्री जी रहेंगे और डॉक्टर प्रणव पांड्या जी रहेंगे, दोनों लोग। लेकिन चूंकि भीड़ बहुत हो जाती है, हमारे अपने लोगों की भी भीड़ हो जाएगी, इसलिए हम निवेदन करेंगे जो हमारे पुराने लोग हैं वही बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, साथ लेके चल चल चल, बला मात नहीं करना है, चल चल वहाँ। यहाँ सिर्फ हम चाहेंगे जो हमारे कार्यकर्ता भाई हैं और जो हमारे सीनियर मेंबर हैं, जो हमारे पुराने मेंबर हैं, सिर्फ वही लोग आएँ। दोनों फ्लोर हमको लगता है अपने ही लोगों से हमारा भर जाएगा, हमको उसमें भीड़ जुटाना नहीं है। भीड़ तो हमारे वहाँ के लिए चाहिए कि सबको पकड़ के ले आइए, जितने लोग आ सकते हैं उनको हॉस्टल से, लॉज से मजबूर कर दीजिए कि साहब परिवर्तन हो रहा है, आप भी चलो।
वो जो सब्जेक्ट रखा गया है कि एग्जाम में आप बढ़िया नंबर कैसे लाएंगे, अपने एग्जाम को कैसे बेहतर करेंगे, अपने माइंड के निगेटिव अप्रोच को कैसे ठीक करेंगे, अपने आप को कैसे बेहतर करेंगे, आप अपने पढ़ाई को कैसे बेहतर करेंगे, ये कार्यक्रम उस मैदान में बड़ा कार्यक्रम है। वो दो मंच बन रहा है। देखिए कार्यक्रम में जनरली एक मंच बनता है ना, हम लोग देखिए दो मंच बनवा रहे हैं। पूछेगा दो मंच? एक मंच पर कल्चरल प्रोग्राम होगा, हमारे कंकड़बाग बाल संस्कार शाला के बच्चे लोग और संस्कार शाला के भाई लोग, उस पर सुंदर सुंदर कल्चरल प्रोग्राम चलेगा। शांति कुंज से पूरा जो विदेश टीम जाती है संगीत वाली, विदेश, वो पूरी टीम आ रही है, पूरे विदेश की टीम आ रही है आपके बीच इस कार्यक्रम के निमित्त। तो साहब देखो ये भगवान का अभियान है, ये हम लोग तो मात्र एक माध्यम बनते हैं। कभी कभी आश्चर्य भी होता है, कभी कभी कोई कल्पना में नहीं होता है, वो सब बातें हो जाती है। मैंने पिछले दिन भी आपको कहा कि बिहार के महामहिम राज्यपाल जी ने हमें कहा, हम लोगों को, कि साहब अगर प्रणव पांड्या जी हमारे यहाँ आके भोजन करें तो हमारा सौभाग्य होगा। ये डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के बारे में बिहार के गवर्नर कह रहे हैं कि साहब अगर हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें तो हमारा सौभाग्य होगा, मेरे तरफ से आप रिक्वेस्ट करिए। लेकिन नहीं बन पा रही है बात, हम लोग भी चाह रहे थे हो जाती, लेकिन वो जो हमारे बीच आ रहे हैं प्रणव पांड्या जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति का प्रोग्राम मिलना आसान है, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम मिलना आसान है, लेकिन प्रणव पांड्या जी का प्रोग्राम मिलना, वो हम लोग जान रहे हैं कि कैसे प्रोग्राम लिया गया है उनका। विपरीत स्थिति में चार डेट दिए थे, जिसमें एक डेट हमको लगता है 7 महीना के बाद हम लोगों को सूचना मिला कि आपका ये डेट दिया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो आपके बीच आ रहे हैं, कोई एक देश में घूमता होगा, अभी लगभग 112 देश में गायत्री परिवार का जो शाखा कार्यक्रम चल रहा है, कोई देश ऐसा नहीं है, लगातार उनका दौरा होते रहता है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं और सारा चीज वो आपके बीच आ रहे हैं। तो हमें मैक्सिमम लाभ किनका लेना है? प्रणव पांड्या जी का लाभ लेना है। एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, यूथ के इतने बड़े मोटिवेटर हैं, और युवा वर्ग कैसे अपने को सही कर सके वो है। मुख्यमंत्री जी और ये लोग ठीक है, अच्छा लगता है, कोई आता है तो बढ़िया है, हम तो खुश हैं कि भाई हम लोगों को इतना वो वेट। मैं चूंकि आपसे बात कर रहा हूँ, प्रवचन देने तो हमें कभी भी नहीं आया, वो तो आप लोग जानते हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी अच्छी बात है, लगातार बातचीत हो रही है। अब ये देखिए कई उनके पार्टी के नेता लोग जिनको पता चल गया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं आपको क्या कहूँ, सुबह से लेकर रात तक अभी तक लगातार हमें फ़ोन पर शुभकामना दे रहे हैं कि थोड़ा हमें भी वहाँ जगह देख लीजिएगा आगे बढ़। अब हम कहे साहब हम आपको कहाँ जगह दे पाएंगे ये बताइए, हमारे प्रमुख रहेंगे, उनके सामने तो हम लोग हिल भी नहीं सकते, कोना में कहीं दुबके मिलेंगे उस दिन। वो सही बता देते हैं, वो जिस दिन पहली बार मुख्यमंत्री आए थे और जितना उछल कूद हम लोग कर लिए थे, हमारे प्रमुख रहेंगे उस समय, हम लोग हिलडोल भी कहीं कोना में दबे ऐसे खड़ा रहेंगे, अच्छा मनीष भैया भी कोना में खड़े हैं, तो हमारी ही स्थिति ये है, तो दूसरे तीसरे की स्थिति को हम कैसे क्या कह सकते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, ये अभियान हम ये जानना चाहते हैं, हमारी इच्छा ये है कि ये मैदान देखिए हमने और पीछे तक साफ किया है, वो पाइप जहाँ से लगा हुआ है वहाँ मंच बनेगा, पीछे तक हमने 7 दिन 8 दिन इसमें जेसीबी चला है, तो वहाँ से लेके और पूरा चौकोर वो तो चंप जाना ही चाहिए, साथ ही साथ ये वाला रोड और ये वाला रोड, बाहर भी माइक उक लगा रहेगा, आदमी ये कहे कि ये क्या हो रहा है, और कुछ ना कुछ लेके जाए यहाँ से, खाली हाथ कोई ना जाए, कुछ ना कुछ अच्छा विचार सद्विचार लेके जाए, यही फलेगा, यही फलेगा, यही फलता है। इसलिए भीड़ तो आनी चाहिए, भीड़ आएगी ना? हाँ देखिए भाई भीड़ आनी चाहिए, और भीड़ भी ऐसी हो कि नियंत्रित हो, नियंत्रित हो। हमारे कम से कम 1000 भाई, वैसे पुलिस की पूरी बंदोबस्त होगी, पूरा हम लोग मनु महाराज से परसों मिले, पूरी व्यवस्था हमने बनाई है, पहले से ही पूरा फोर्स यहाँ चारों तरफ डिप्लाई रहेगा, यहाँ के DSP थाना प्लस बाहर का टोटल फोर्स हम लोग मंगा रहे हैं कि चारों तरफ चाक चौबंद रहेगा। पूछिएगा इसलिए कि जो हम अपने हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो बाहर के लोगों को मशीन में बुला के फ्रेश करके ओरिजिनल माल बनाना है, वो तो मचलने वाले लोग आ रहे हैं, मचलने वाले, तो उनको मचलन उनका, हाँ ठीक होंगे,
तो एक वो व्यवस्था भी, लेकिन हमारे अपनी व्यवस्था भी पूरी टाइट रखनी है। हमारे चप्पे चप्पे पर हमारे भाई लोग तैनात होंगे, वो चूंकि भाई लोग मिशनरी हैं, चप्पे चप्पे जितने लोग युवा आएंगे सबको आते रोड पर से ही वो एंट्री करे और पहला वहीं पर डाउन होता है वो, अच्छे प्रणाम कर रहा है। अच्छा देखिए हर चीज का हचुक हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है वो हम उसको सम्मान करते हैं कि आप अच्छे बनने के लिए हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। तो वहां से ही वो शुरू हो जाएगा, सबको प्रणाम करते हुए सारे युवाओं को, लोग कहे गए थे कार्यक्रम में पहली बार एक ऐसे गायत्री परिवार में जहां हमें लोगों ने प्रणाम किया, और सब यंगेस्टर है, जींस वाला, टी शर्ट वाला, फुल पैंट वाला, जुल्फी वाला, सब प्रणाम। बदलना है प्यार। अच्छा डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो कैसे सर्जरी करता है, चाकू ऐसे लिए आएगा कहे कहाँ है पेशेंट लाओ रे, है ऐसा करता है क्या? अच्छा अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, अच्छा आ जाओ भाई आ जाओ, अरे अरे बस बस वो थोड़ा सा बस, कहते 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 उसको एनेस्थेसिया या सुइया जो लगाया बेहोश किया, और उसके बाद सब चीरा लगाया, मामला करने बहुत गड़बड़ था भीतर। और शुरू में ऐसे कोई भी मान लीजिए अच्छे उद्देश्य के लिए भी डॉक्टर छुरा उसका जो ऑपरेशन वाला औजार उजार है कैंची ऐसे दिखाते उखाते आए कहाँ है पेशेंट, तो पेशेंट क्या कहेगा, अरे भागो भाई कहाँ फंसा दिया ही तो जान मार देगा हम। इसलिए उनका सर्जरी करना है, उनका मचलन ठीक करना है, वो तो होगा ही, सीधे कर ले वह में भलाई, सीधे हो जाए मचलन तो ठीक होवे करेगा, नहीं हिलिएगा। हम बिहारी, हम लोग कहाँ बांग्लादेशी, तू हो बिहारी हमू बिहारी दोनों बिहारी, तू हो नौजवान हमू नौजवान, फरियाले भाई फरियाले, तू हो जुबा जींस वाला हमरो सब जींसे वाला, रे रे हम टाइट पहन ले, सब टाइट एकदम होल होल टाइट, उस दिन और टाइट पहन के आइएगा। ये मामला है, इसलिए याद रखिए ये परिवर्तन है, और उनका सर्जरी होना है, अच्छे विचार उनके अंदर जाएगा और बुरा विचार उनका निकालना है, एक वातावरण बन रहा है ऐसा। तो आपकी हमारी सबकी भूमिका है इसमें, तो 5:30 बजे से शनिवार को रहेगा, इस बात को बाहर में आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, ये बाहर में आप इस बात को किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी बाबा जी से शेयर नहीं करेंगे, किसी साधु से नीचे पीला धोती कुर्ता से आप शेयर नहीं करें, ऐसा नीचे गए और प्रसादी खा रहे सुन रहे मुख्यमंत्रियों शनिचरों को आ रहे हैं ले जाओ। अब हम हाँ अब हमको टेंशन ये हो गया कि हमारा व्यवस्था बनाने में उसी दिन हमारा पानी छूट गया था, दोनों गेट हमारा बंद कर देना पड़ा, उसी दिन मुख्यमंत्री आए तो दोनों गेट बंद कर देना पड़ा। और अभी पता चले कि दूसरे जिला में और भाई साहब जो हमारा 27 को सुबह में आने वाला है उसको पता चल गया, तो कहा चल ना एक दिन पहला ही चल लाल भाई, आ हमारा जगह है दूगो, ये तो ऐसे ही संडे के साँझे में आज फुल रहता है, एक कोई इंच जगह नहीं रहता है, तो पता चलेगा कि बस हम लोग इसलिए नहीं, ऐसा नहीं करना है, बस आप लोगों को बस मन में रखना है धीरे से, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो नहीं दर्शन करने से कार्य, हाँ धीरे से आके जगह लेके चुपचाप बैठ जाइएगा बिना हिले डुले, कोई पूछे भी नहीं ऐसे ही प्रचार में जा रहे हैं उधर है ना, ये इतना कॉन्फिडेंशियल तो रखिएगा ना, हाँ नहीं तो भीड़ भाई हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ चूंकि अपना मेन कार्यक्रम कब है 27 को, और 26 में अगर आप इस तरह का करिएगा तो 27 का कार्यक्रम पर हमारा असर पड़ जाएगा, इसलिए अपना मूल कार्यक्रम कब है 27 को, 26 को माले कार्यकर्ता भाई और जो हमारे सीनियर भाई हैं आप लोग बैठे हैं जो आज कुछ पहले लोग नए भी आए होंगे वो भी इसका लाभ ले ही लेंगे, हम तो जान रहे हैं, तो चुपचाप से आके बैठ जाना है। चलिए बढ़िया है, इस अभियान को पूरे गति से आगे बढ़ाना है 27 तक, तो हम लोग का सुबह कब होता है रात कब होता है अभी पता नहीं चल रहा है, अभी मैं आपके बीच खड़ा हूँ, इसके आने के पहले भी कितना माथापच्ची करके आपके बीच आना पड़ा है, तो ये सारा है अच्छा है, बड़े बड़े भगवान भी पात्र के अनुसार कार्य देता है। शुरू शुरू में हम लोग बहुत चाहते थे खूब ये हो वो हो, तो नहीं होता था, गुरु जी सोचते होंगे कि अभी तो इसका औकात वो लायक नहीं है, औकात बढ़ा तो देखिए सारे लोग गवर्नर मुख्यमंत्री फलाना ढिकाना लगता है, अभी वो कहानी है, अब तो ऐसे ही होते रहता है, रोजे कोई ना कोई आते ही रहता है, कहता कुछ दिन के बाद ये भी हो जाएगा ना भाई रोज कोई, अब अगला स्टेप प्रधानमंत्री का है और लोग का है, कौन कौन लोग कब कब आते हैं देखिए भाई। इसलिए
इसलिए हम लोग इसकी चिंता नहीं करते। हम तो ये कहते हैं भगवान बस पतंग उनका है, डोर उनके हाथ में है, हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं तो दिखता पतंग है, लेकिन डोर उड़ाने वाला जानता है 2 मिनट में ऐसे ऐसे करेगा तो पतंग आ जाएगा नीचे। इसलिए डोर नहीं दिखता, दिखता क्या है पतंग दिखता है, और डोर उनके हाथ में है, पतंग ऊपर उड़ रहा है, और पतंग कहे नहीं हम अब दिखा देते हैं अपना खेला, तो भी कहेंगे अच्छा ठीक है दिखा दो खेला, 2 मिनट में औकात पता चल जाएगा। इसलिए सब हम तो यही जब ध्यान पर बैठते हैं, आपको अनुभूति होता है या नहीं होता हम तो नहीं जानते, हमको पूर्ण अनुभूति होता है कि इन दिनों भगवान खेल खेल रहा है, किलोल कर रहा है, और ऐसा आदमी को माध्यम बना के वो मजा ले रहे हैं, हम लोगों को माध्यम बना के गुरुदेव मजा ले रहे हैं कि अच्छा देखो ये छोटा छोटा बच्चा सब क्या खेला कर रहा है। ये बताइए ये बड़ा बड़ा आयोजन कर ले रहा है, कौन कर रहा है, कोई बूढ़ा आदमी कर रहा है क्या? ये सब बेचारा IAS BSc फॉर्म भरे वाला TT वाला यही लोग हैं, भविष्य में इतिहास में पूछा जाएगा कि इस परिवर्तन में कौन कौन लोग भागीदार थे, तो वही सब था वो टीटी वाला फॉर्म वाला है, लोग आश्चर्य करेगा बेचारा अपना जींस ठीक से पहन नहीं सकता था, दूसरे को बुला रहा था चलो चलो अच्छा बन, ये परिवर्तन है, यही तो परिवर्तन। अभी मैं फेसबुक देख रहा हूँ, भाई लोगों ने उस पर अपना डाला है, कई जगह अपना भाई समझाते हुए डाले हैं, ये उत्साह है, और ये उत्साह 27 तारीख को 10:30 बजते देखिए भाई एकदम मैदान चप जाना चाहिए, और मैदान के बाहर 10:30 के बाद जो आए उनको लगे कि अब लगता है बाहर खड़ा होना पड़ेगा, ये बात है। तो आप सब लोग इसके लिए पूर्ण संकल्प के साथ घसीट के लाना है युवाओं को, और उनको अच्छा बनाने का संकल्प दिलाना है। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नोट देखिए कितना लोगों का खलबली मचा दिया है ना, बाप बाप चला रहे कहाँ पे, कई जगह तो लोग सुनते हैं गंगा जी में दहा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा। आज तो और आ गया मामला, जब से नोटबंदी हुआ है 8 तारीख से और अब आ गया मामला कि बहुत लोगों के खाता में जो अभी दैनिक जागरण में हमने अभी पढ़ा है कि 2.5 लाख के बाद जो 5-5 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख अपने खाता में डाले हैं, ये जिनका खाता में पहले कम सम था, उन सारे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। कहाँ से डाले क्लियर करिए, माने कोई रूप में बकसने वाला, ये देखिए ऊपर का चक्र चल रहा, भगवान माध्यम बना के ये खेल खेल रहा, कई लोग छाती पीट रहा है, जनता परेशान है जनता बेचारा गलिए ना, हमारा सबके गांव में 1 लाख रुपया बैंक में किसान रखता है, हम लोग नहीं, हम लोग भी किसान हैं, जनता परेशान है, कौन परेशान है सब समझ रहा है, कोई बेवकूफ नहीं है आज के टाइम में, है चलिए बढ़िया बात है, इसी तरह ये लोग परेशान होते रहें, हम लोगों की शुभकामना है इनको, है ना। तो भाई और सुन लीजिए, आप लोग बहुत टेंशन में रहते थे कि हमारा क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खूब मिलेगा, लेने वाला नहीं बचेगा, नोट करिए गुरुजी लिखे हैं, एगो डिपार्टमेंट और हुआ है, जितने लोग जमीन घेर घेर के बाईपास के किनारे बाउंड्री बाल बना बना के छोड़े हुए हैं, 200 टीम बनाया गया है सरकार के तरफ से, अब सारा जमीन किनके नाम से है, कैसे लिए, आप कहाँ नौकरी करते हैं भाई जी, सचिवालय में, कितना सैलरी है, 40,000 सैलरी, ये जमीन कहाँ से आया, ये मेरे बहू के नाम से है, अच्छा आपके बहू के नाम से है, इनकम टैक्स रिटर्न भरती है बहू, नहीं तो पैसा कहाँ से आया, ब्लैक मनी है, चलो सर चल रहा है इस लोगों, कई लोग तो हमको मिले कि मोदी जी बहुत गड़बड़ कर दिए, आपको नहीं पता है मोदी जी के पार्टी के लोग मोदी जी से परेशान हो गए हैं, मोदी जी के पार्टी के लोग, लेकिन मोदी जी अपने थोड़े कर रहे हैं, अपने नहीं कर,
नीतीश बाबू अपने शराबबंदी थोड़े की, तो सब समय है। ऊपर से आया सिग्नल, कर दो। सब सिग्नल चल रहा है, लाइकनों को सिग्नल भेजा जा रहा है, बदल जो बदल में नई सिग्नल समझेगा, कहेगा अरे तुम लोग नहीं जानते हो बहुत बड़ा राज है इसमें। का मनीष जी बहुत ऊंचा चीज है, तो क्या मनीष जी नीचे का चीज हो जाए है? अगर नीचे के चीज होते तो आप लोग यहां बैठते? ऊंचा चीज है तब ना बैठे। ये सब पॉलिटिकल माइलेज लेने का मामला बनता है। अच्छा तो नहीं ले माइलेज? नहीं लें? काहे नहीं लें भाई, कोई देगा तो लेंगे, लेकिन हमें राजनीति में नहीं जाना है। ये बात मैं कई बार मेरे यूट्यूब पर सुन ली, लेकिन राजनीति को बख्शेंगे नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। हमने कहा राजनीति में जाएंगे नहीं, लेकिन राजनीति अगर कहेगा कि हम बाएं दाएं, तो वो नहीं होने देंगे। वो तो अभी देखिए ना, अभी तो हम सिर्फ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप लोग भी कमजोर हैं, कोई फूक मारेगा तो उड़ जाइएगा। हम भी टटोल लेंगे कि हाँ, दबाव इतना रहेगा कि राजतंत्र कोई गलत निर्णय ना लेने पाए, राजतंत्र सही रास्ते पे चले। जब जनता जगती है तो बड़े बड़े राजतंत्र, राजा और जमींदार ध्वस्त हो गए, छोटे लोगों को कौन कहे। जात पात नहीं रहेगा, जात पात, और हम जात पात के सख्त विरोधी हैं कि साहब सीधे बताओ, झूठा हमको गधा बना के वोट ले लिया, हम जीवन भर भैंसे दुहित रह गए, आ तोहर बेटा हेलीकॉप्टर से घूमे लगलो हैं। ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं, ये सब नहीं। हम दलित, हम दलित, अच्छा तू दलित? एक भी सलम के व्यक्ति को आईएएस और आईपीएस और कोई नौकरी में नहीं जाता है, कौन जाता है? आरक्षण का लाभ किसको मिलता है? वो बेचारा जहां पढ़ रहा है बचपन, इन कलेजा पर हाथ धर के आप लोग बताइए, वो बच्चा जिस प्राइमरी स्कूल में गांव में अभी खिचड़ी वाला में पढ़ रहा है और जो उसका पढ़ाई का लेवल है, क्या उसके बल पर कभी वो आरक्षण का लाभ ले पाएगा? तो किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? उसके क्वालिटी को बढ़ाइए ना, कि उस लायक बने कि उसका लाभ लेने के हालत में आवे। लेकिन वो जानता है कि लाभ लेने लगेगा, समझदार बनने लगेगा, झोपड़ी से बाहर आने लगेगा, तो मेरा क्या होगा, हम तो मसीहा नहीं बनेंगे। ये समझदार, इसलिए गायत्री को हर घर घर में, हर झोपड़ी में जाना चाहिए। और युवा प्रकोष्ठ ये काम शुरू कर दिया है, सलम के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहां कभी गायत्री का प्रवेश नहीं था उस घर में गायत्री मंत्र हो रहा है तमाम सलम के घरों में। और जैसे ही गायत्री का रोशनी पहुंचेगा, गायत्री मतलब प्रकाश, रोशनी, अंधकार से दूर करने वाला, भीतर से अंधकार से प्रकाश की ओर, नूरे इलाही इस्लाम धर्म में कहा जाता है, नूरे इलाही, क्या यही नूरे इलाही? ये नूर क्या है? अंधकार से प्रकाश, गायत्री भी वही है, अंधकार से प्रकाश की ओर। लोग समझने लगेगा, ओ बड़ी साथ पिछलो बार अल होला जात के नाम पर बड़ी खेला कल को, आ पिछला बार अल होला स्कॉर्पियो से इस बार फॉर्चूनर ले लो, देखिए। ये ही परिवर्तन, ये भीतर से होगा, बाहर से नहीं होगा, भीतर वाला। और सब लोग राजनीति में चल जाएगा तो ये काम कौन करेगा है? ये काम सफाई, हम लोग सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के। कभी कभी लोग पूछता है आपका तो बहुत नाम है, हंसी छूटता है। अभी भी कई लोग फोन पर कह रहे थे कि आपका बहुत नाम है, वो काहे कहते हैं वो तो हम समझ जाते हैं अभी, इसलिए अभी विशेष टाइम में हमारा नाम ज़्यादा हो जाता है, तो हम भी कहते हैं नहीं नहीं अरे आप लोग का आशीर्वाद। तो भाई हम लोग तो नगर निगम के कर्मचारी हैं, नगर निगम का कर्मचारी क्या करता है, बड़का फट्ठा लिए रहता है। कोई पूछेगा आपसे, हो सकता है मनीष जी का, हाँ वो बड़का फट्ठा, झाड़ू बाल्टी, और नाला में कैसे फट्ठा ऐसे ऐसे देता है। हम नए लोगों का क्लास लेते हैं, जितना कचरा होता है निकालने में, बताइए कितना मेहनत, एक के बात हम रोज दोहराते हैं। लेकिन नए लोगों के लिए, जो पुरनका सुन के ही बात बोलता है, जो एक के बात तोरा लेल थोड़े कहते हैं, तोर कचरा तो निकाल दिए, फिर हुआ है तो बोलो बैठो निकाल लेंगे फिर। इसलिए भाई यहाँ के कार्यक्रम में
हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, अब अंतिम क्षण है युद्ध का, अब बाजी जीतना है, बाजी जीतना है। इसलिए हम सब लोग हाथ ऊपर करके अंतिम बार भगवान के यहां संकल्प लेंगे। सब लोग हाथ ऊपर करिए, आंख बंद करिए, आंख बंद, भावना बनाइए कि हमारा ये 27 नवंबर को जो कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा भाव बनाइए, परमात्मा से प्रार्थना करिए, हजारों हजार की संख्या में हम लोगों को यहां लाएंगे। हम कसम खाते हैं 27 नवंबर 10:30 पर हजारों नौजवानों को इस कार्यक्रम में लाने का संकल्प लेते हैं। तन मन और धन तीनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी भाई पूरे जी जान से लग जाएंगे। भगवान इसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। अभी आपने संकल्प लिया और संकल्प में बड़ी ताकत होता है। जो दिल से मन से भगवान के लिए अच्छे कार्य के लिए संकल्प लेता है, भगवान उसका कार्य भी पूर्ण करते हैं। याद रखिए, भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, वही बात गुरुदेव ने भी लिखा है, तुम हमारा काम करो हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा काम करो हम तुम्हारा काम करेंगे। हम तुमको बैंक का पीओ निकालेंगे, रेलवे में भेजेंगे, लेकिन तुम अभी ये वाला सफल करो, लोगों को अच्छा बनाओ। तो आप लोगों ने संकल्प लिया है, अब समय नहीं है हमारे पास, मात्र बीच में हमारे पास कितना है, 5 दिन। इस 5 दिन में ये हमें एक भी पटना का लॉज हॉस्टल रूम नहीं बचना चाहिए, सभी लोग आ जाएं इसमें। प्रचार का क्या पोजीशन है भाई? हाँ, इसलिए पूरे उत्साह से इसमें लगना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। आने वाला समय हमारा है, हम लोगों का है, युवाओं का है। ऐसा युवा जिसको देख के पूरा देश प्रेरणा लेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं इस मंच से कि आज पटना का युवा प्रकोष्ठ पूरे देश में अपना एक पहचान रखता है, पूरे देश में इसका अपना एक पहचान है, पूरे देश में इसने कार्य के बल पर अपना पहचान बनाया है, कार्य किया है। और राजनीति में जाने और आने का तो 22 साल से लोग हमें कह रहे हैं, साहब 22वां साल है, 22 साल में जब हम कितने बार नेता आए, मंत्री आए, विधायक आए, जब 22 साल में हम नहीं हिले तो अब कौन हिला सकता है। लेकिन राजनीति का नकेल तो ठीक करेंगे, ये तो है, इसका हम नहीं विश्वास दिलाएंगे, और वो भी आपके बल पर हम आंदोलन करेंगे। वो वाला नहीं, कौन वाला, वो नहीं घेरो जिंदा बनना ही नहीं, वो तो फेल हो गया, अन्ना जी वाला भी फेल हो गया, वो केजरीवाल बुर्बक बना के देखे बैठ के वहां नहीं, इस बार का जो आंदोलन है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। कोई कुछ भी कहे, आरोप लगा सकता है, लगेगा, उसकी चिंता नहीं है हमें, लगाने वाले लगाते रहे, कहने वाले कहते रहे। इसका हम अगर ख्याल करेंगे कि कौन क्या बोला, कौन क्या सोचा, कौन क्या कहा हमारे बारे में कहता रहे, हम उसकी चिंता हमें भी नहीं करनी है। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की चिंता करनी भी नहीं चाहिए, जो हाथी चले बाजार भूखता है, नेचर है, आप उसके भूखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते भाई, उसका आदत है, ओ करेगा वो, आओ करेगा वो, क्यों, चूंकि वो उसको वो चीज नहीं मिला, वो भीतर से उसको मलाल हो रहा है, अंगूर खट्टा है रे, है मनीष जी को मिल गया और भाई सब को मिल गया, निशांत रंजन को मिल गया, उनको मिल गया, हमारा नहीं, सब बहुत तेज नहीं मिला तो ते भाई रेस का दौर है, आओ तुम्हारा भी स्वागत है, प्रतिभाओं को कोई रोक सकता है क्या? उगते हुए सूर्य को बादल कितना देर ढक सकता है, है ताकत? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन परमानेंट किसकी हिमाकत है भाई? अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर ताकत है, तो कितने देर बादल ढक लेंगे भाई?
इसलिए हाँ अब गाली दे सकते हो, तो गाली तो हम सुन ही रहे, सुना, इसलिए ये सफल होना चाहिए। ये कार्यक्रम अब हमारा, हम लोगों का प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और डॉक्टर प्रणव पांडे जी आ रहे हैं, इस बार जब यहाँ से वो जाएं तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो जाएं, कहें कि मैं बिहार गया था, वहाँ के युवाओं का जो सीन देखा है, जो दिखा है, और हमेशा इतिहास गवाह है कि परिवर्तन कहाँ से हुआ है, बिहार से हुआ है। लोग कहाँ का उदाहरण देते हैं, बिहार का उदाहरण। जब भी मौका आया है इतिहास में गवाह है कि बिहार ही उदाहरण बना है, बिना बिहार के मिट्टी का नमन किए कभी कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ है। गांधी का आंदोलन भी जब वो जब तक बिहार नहीं आए तब तक गांधी को कोई नहीं जाना, जब बिहार में आए, बिहार के मिट्टी को नमन किया तो फिर गांधी गांधी हो गए और पूरे देश में क्रांति फैल गया है। भगवान राम का क्रांति भी बिहार से शुरू हुआ था, कहाँ से, बक्सर में, तारकाबद्ध, तारका राक्षसनी बक्सर के जंगल में रहती थी, ऐ यहाँ राक्षस लोग पहले भी रहा है। और भगवान राम ने पहला आंदोलन शुरू किया कहाँ, बिहार आना पड़ा उनको उस जमाने में भी। बिना बिहार के मिट्टी के कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी कह ले, बिहार ही बिहार है। और भगवान कृष्ण का क्रांति भी कहां से हुआ, राजगीर के जरासंध बद्ध, जरासंध का बद्ध कहां हुआ था, राजगीर से हुआ। बुद्ध का क्रांति कहां से हुआ, पूरे दुनिया में, बिहार से हुआ। तो ये युग परिवर्तन का क्रांति भी चाहे कोई कुछ भी कहे, इतिहास गवाह है, बिहार से ही उठेगा और ये लॉ पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। और ये फैल चुका है, ये फैल चुका है, अब इसको, इसको कोई नहीं रोक सकता। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, ये युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। आप लोग इस सवारी में सवार हो जाओ भैया, नहीं तो ट्रेन खुल जाएगी, स्टेशन पर खड़े रहोगे, सुने तो थे हम हूं, जा नहीं पाए, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए समय को पहचानिए, ये समय परिवर्तन का है। और ये 2016 है, 2020 नोट करके अपने रूम में, डायरी में कहिएगा कि किसी ने कहा था, 2020 तक बहुत कुछ दिखने लगेगा, बहुत कुछ दिखने लगेगा। लोग मोबाइल छोड़ के भागेगा, नहीं चाहे, ध्यान सिखाइए, ध्यान सिखाइए। बाप बाप रे, हम आपको बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए कि किसी ने कहा था, वो दिन आ रहा है कि मोबाइल से लोग पीछा छोड़ाएगा। इसको कितना झेलिएगा, 2 HP का मोटर है, अब 5 HP का दीजिएगा, सब भीतर का फिलामेंट उड़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग सब लोग मेधा चूर्ण नवयौवन चूर्ण जरूर खाइए, है ना, प्रचार में मेधा चूर्ण मस्तिष्क को ताकत देगा, नवयौवन चूर्ण ताकत देगा। च्यवनप्राश भी बन गया है, ठंडा आ गया, नहाते हैं ना आप लोग? अभी अभी नहा लेते हो, अभी ज़्यादा नहीं आया हैं थोड़े तो। साहब इस सब आप लोग बढ़िया है, आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। शनिवार संध्या 5:30 बजे किसी को नहीं बुलाना, किस ये बात लीक नहीं करना, सिर्फ जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं, ये दोनों फ्लोर फुल रहेगा, बस इसके अलावा नहीं, दोनों फ्लोर फुल रहेगा। मुख्यमंत्री की इच्छा है तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आइए साहब, स्वागत है, हम लोग तो हमेशा तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री एक सज्जन भी हैं, ईमानदार भी हैं, और दूसरी चीज़ यह है कि नशा पर जो उन्होंने काम किया है उसका तो हम लोग दिल से हमेशा समर्थन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और ये अच्छी बात है कि सरकार और बिहार का मुखिया हमारे साथ और हम लोगों के साथ अगर जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा, बंगाल में भी लोगों को प्रेरणा मिलेगा, ममता जी भी आएंगे। हाँ ये यूपी वाले लोग भी आएंगे, कहाँ जाएंगे, जाएंगे कहाँ,
उपाय क्या है? जो आएंगे अगला बार, अभी तो समाजवादी वाले लोग हैं, बसपा वाले लोग हैं, और लोग जो लोग आए सबका हमारे यहाँ स्वागत है। मंदिर समझो, मस्जिद समझो, गिरजा समझो या गुरुद्वारा, यह युग निर्माण का मंदिर है, यहाँ आते हैं हर मतवाला। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।